हेलो गाइस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 करेंगे जो कि क्लास सिक्स की है और विषय है गणित ये वर्कशीट 23 अगस्त 2021 की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पूर्णा पुना, पूर्णांकों का योग व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक और गोदाम में नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णाम माने तो देखा पिछली वर्कशीट में बच्चे हमने देखा था कि जब कोई चीज़ ऐड हो रही हो या ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसे हम क्या मान रहे थे धनात्मक पूर्णांक और कोई चीज़ कम हो रही हो या नीचे की तरफ जा रही हो उसे हम क्या कह रहे थे ऋणात्मक पूर्णांक भूमि तल से निरूपित संख्या को हम जीरो मानते हैं और जो भूमि तल है उसे हमने क्या माना जीरो माना अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो हम उसे धनात्मक और कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं आइए देखिए क्या कहा गया है बेटा आगे वर्कशीट में एक सेकेंड बच्चे हाँ जी जरा देखते हैं बेटा आओ करें भूमि तल से सीढ़ी ऊपर चलिए भूमि तल से ये हमने भूमि तल को हमने जीरो माना अगर हम इससे छह स्टेप ऊपर चलते हैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं जिससे कि हमें ये करना आसान हो जाए तो छः स्टेप हमें क्या चलना है ऊपर चलना है तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है हमें कितना चलना है प्लस फाइव हो गया देखो वन एक हम यहाँ से थे यहाँ पर हम पहला आया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस फाइव भूमि तल से तीन नीचे यहाँ पर प्लस सिक्स आएगा बेटा क्योंकि छह ऊपर चलना है ना तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस सिक्स ठीक है भूमि तल से तीन नीचे चाहिए तीन नीचे चलेंगे तो देखो हम भूमि तल से हैं तो वन टू और थ्री हम कहा पहुंच जाएंगे माइनस थ्री पर और यहां पे क्या पहुंचे थे प्लस सिक्स पर अभी कहा पहुंचे थे हम प्लस सिक्स पर नेक्स्ट देखिए भूमि तल से सीढ़ी ऊपर चलिए हम यहाँ पे पहुंचे सिक्स प्लस सिक्स पर पहुंचे फिर वहां से दो सीढ़ी और ऊपर चलिए तो देखो क्या कह रहा है कि हम कहा प्लस सिक्स पर है अब हमें दो सीढ़ी और ऊपर जाना है मतलब सेवन और एट तो हमने प्लस टू किया तो कितना हो गया हमारे पास में प्लस एट कितना हुआ हमारे पास में प्लस एट देखो सिक्स प्लस था पहले ही क्योंकि ऊपर की तरफ था और दो और हमने उस पर सीढ़ियाँ चढ़ ली तो कितना हो गया एट अब देखिए क्या कह रहा है भूमि तल से तीन सीढ़ी नीचे चलिए तीन सीढ़ी हम नीचे थे ये देखो ये हमारा क्या था माइनस थ्री हम तीन नीचे थे अब वहां से अब चार सीढ़ियाँ और नीचे चलिए तो अब यहां से हमें चार और चढ़ने मतलब माइनस नीचे और जाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा माइनस फोर और करना पड़ेगा तो देखो वन टू थ्री फोर तो क्या आया हमारे पास में हम कहा होंगे इस वक्त माइनस सात सीढ़ी पर देखिए माइनस थ्री हम थे और माइनस फोर और हमने और जाना है तो हमारे अब अब कहा पहुंचेंगे हम माइनस सेवन मतलब नीचे की तरफ सेवन सीढ़ी पर अब देखिए आगे क्या कहता है बेटा इन चीजों को समझना जरूरी है भूमितल से पांच सीढ़ी नीचे चलिए अब भूमि तल से पांच नीचे चलना है तो क्या आ जाएगा माइनस फाइव ठीक है फिर वहां से सात सीढ़ी ऊपर चलिए फिर अब यहाँ से हमें क्या करना है सात सीढ़ी ऊपर चलना मतलब प्लस के सेवन करना कहाँ से है हमें माइनस फाइव से ही तो देखो हम करते हैं वन टू थ्री थ्री, थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे पहुंचे सिक्स सेवन तो अब हम कहां पे आए टू पर आए ना तो हम कहाँ पर आए प्लस टू पर ध्यान से समझो बेटा इसको देखो हम पहले कहाँ गए माइनस फाइव मतलब पाँच की तरफ नीचे गए हम यहाँ पे गए माइनस फाइव पर ठीक है अब हमें कहाँ जाना है प्लस सेवन पर अब इस पॉइंट पर जब पहुँच गए हैं तो प्लस सात मतलब सात सीढ़ियाँ ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए देखो हम क्या करते हैं वन हम यहीं से चढ़ेंगे ना देखो जहाँ पे है वन टू थ्री फोर फाइव जब हम फाइव पर पहुँचे तो हम कहाँ पर आए भूमि तल पर अभी हमें सेवन जाना है तो हम दो और ऊपर जाएंगे तो अब टोटल हमने कितना चढ़ा अब हमने चढ़ा है अब हमने कितना चढ़ा बेटा दो स्टेप तो अब हम कहाँ पर है प्लस टू कौन सी सीढ़ी पर है प्लस टू सीढ़ी पर ठीक है अब देखिए भूमि तल से नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया भूमि तल से छः सीढ़ी ऊपर चलिए तो हम छः सीढ़ी ऊपर चलते हैं तो कितने पे आ जाएगा प्लस सिक्स पर हम कहाँ पर है अभी प्लस सिक्स की सीढ़ी पर है वहां से ग्यारह सीढ़ियाँ नीचे चलिए अब ग्यारह सीढ़ियाँ नीचे चलना है तो देखो कहाँ पे पहुंचेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पर तो हम जीरो पर आ गए भूमि तल पर आ गए अभी हमें कितना और चलना है पाँच और चलना है तो देखो एक दो तीन चार पाँच तो हम कहाँ पर पहुंचे बेटा माइनस फाइव पर हम क्या हुआ पहले हम सिक्स प्लस किया हमने फिर हमने क्या किया बेटा फिर हमने कर दिया ग्यारह माइनस हमने क्या कर दिया ग्यारह माइनस तो अब कितना आया हमारे पास में माइनस फाइव हम कौन सी सीढ़ी पर हैं इस समय माइनस फाइव की सीढ़ी पर हैं आगे देखिए क्या दिया गया बेटा इन चीज़ों को ध्यान से समझना पता है जब कोई धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है मतलब दो प्लस नंबर को जोड़ा जाता है जैसे कि प्लस दो और प्लस दो तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्लस धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा प्लस फोर हो जाएगा इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा ठीक है अगर दो धनात्मक पूर्णाक को जोड़ा जाता है अब देखो क्या कहा जाता है कि अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है कि अब आपसे जोड़ा जाए माइनस दो और माइनस दो इनको आपको कहा जाए कि इनको जोड़ना है आपको तो क्या होगा देखो माइनस इन दोनों नंबर को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा माइनस फोर ये चीजें समझ लो बेटा जब दो नेगेटिव नंबर्स को या ऋणात्मक नंबर को जोड़ा जाता है तो नंबर तो जुड़ जाते हैं लेकिन निशान यही रहता है ऋणात्मक का आगे देखिए क्या लिखा गया धनात्मक पूर्णांक जब एक धनात्मक पूर्णांक मतलब कि हम ले लेते हैं पांच हु? और एक ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि हमें तीन ठीक है जब इन्हें जोड़ा जाता है तो जो नंबर जैसे कि धनात्मक बड़ा है तो यहां पे आ जाएगा हमारा प्लस का टू जब धनात्मक पूर्णांक का संख्या मान ज्यादा हो ठीक है यहां पे धनात्मक पूर्णांक का मान ज्यादा ना माइनस प्लस पांच माइनस तीन से बड़ा है प्लस पांच क्या है बड़ा है ना ये देखो पांच बड़ा है या तीन पांच बड़ा है ना तो यहाँ पे क्या होगा धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक अब देखिए नेक्स्ट क्या ऋणात्मक पूर्णांक माइनस सेवन और धनात्मक पूर्णांक हम कर लेते हैं दो तो अब देखो क्या आंसर आएगा सात बड़ा है या दो तो सात बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस फाइव ऋणात्मक पूर्णांक जब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या मान ज़्यादा और उस यहाँ पर संख्या का मान देखना है कि जिसका संख्या का मान ज़्यादा है वही यहाँ पे निशान आएगा जैसे कि हमने अभी देखा था कि पाँच प्लस के थे और थ्री माइनस के थे तब तो हमारा आंसर क्या आया था प्लस के टू है ना क्योंकि यहाँ पे पाँच की वैल्यू ज़्यादा है तीन की कम है बट यहाँ पे माइनस सेवन में सेवन की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आएगा इसकी बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये आसान लगने लग जाएगा अब है संख्या रेखाओं का पूर्णांक का जोड़ना अब देखो कैसे जोड़ते हैं संख्या रेखा पर इसको कैसे जोड़ा जाता है तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा बनानी सीखी थी कि हम बीच में क्या लगा देते हैं जीरो और इस तरफ हम क्या लगा देते हैं प्लस के नंबर और इस तरफ हम क्या लगा देते हैं माइनस के नंबर यह हमने पिछली वर्कशीट में समझा था अब देखिए क्या कहा गया है पहले जीरो से आरंभ करके दाई और तीन कदम चले तो पहले हमें क्या करना है प्लस की तरफ दाई और तीन कदम चलने तो देखो वन टू और थ्री हम कहाँ पहुंच गए प्लस थ्री पर हम पहुंच गए ठीक है स्टूडेंट ध्यान से समझो ठीक है हमने कहाँ जाना था तीन कदम चलना था तो वन टू थ्री हम थ्री कदम पर पहुंच गए प्लस थी अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है और तीन पर पहुंचते हैं ठीक है हम तीन पर पहुंच गए अब फिर तीन से दाई और चार कदम चलिए अब हमें इसी तरफ और चार कदम चलने हैं तो देखो हम चार लगा देते हैं यहाँ पे तो देखो कितना हो जाएगा चार पाँच छः सात तो एक दो एक दो तीन चार तो अब हम कहाँ पहुंच गए बेटा प्लस पर हम कहां पहुंच गए प्लस सात पर और एग्जाम्पल के साथ करते हैं बेटा देखो क्या कहा गया है हमने यहां पर नंबर लाइन बनाई यहां जीरो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव हम यहां पे लिख देते हैं ठीक है अब देखिए क्या कहा गया है पहले कि माइनस आप जीरो से आरंभ करके जीरो के, के बाईं तरफ मतलब माइनस की तरफ जाएंगे दो तो हम माइनस की तरफ जाते हैं बेटा देखो माइनस की तरफ जाते हैं तो एक और दो हम कहाँ पहुँच गए माइनस टू पर पहुँच गए अब फिर माइनस दो के बाईं तरफ पाँच कदम चलिए अब आपको क्या करना है इसके बाईं तरफ फिर पाँच कदम चलने हैं तो हम चलते हैं एक दो तीन चार पाँच तो अब देखो कितना आया ये हमारे पास पे कितना हो गया ये हमारा पाँच हो गया तो ये टोटल हमारा कितना हो गया बेटा माइनस सेवन समझ में आया बच्चे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है पहले जितना कदम का है बाई तरफ चलने के लिए हमने पहले उतने कदम चल दिए हैं पहले हमने कितने कदम चले पहले हमें बोला गया दो कदम तो हमने दो कदम चल दिए ये हमारा माइनस दो आया उसके बाद बोला पांच कदम और इसी तरफ चलिए तो हमने माइनस पांच में और तरफ गए तो हमारा आंसर क्या हो गया माइनस सेवन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं तो इन्होंने देखो क्या कहा है जीरो से शुरू किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो से आराम करते दाई तरफ छह कदम चलिए तो आइए हम कदम चलते हैं छह कदम देखते हैं देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं छः कदम देखो एक दो तीन चार पाँच और छः तो हम कहाँ पहुँच गए प्लस सिक्स की तरफ हम प्लस सिक्स की तरफ पहुँच गए अब कहते हैं अब छ के बाईं ओर अब हमें उल्टा जाना है छ के बाईं ओर जाना है तो अभी हम कहाँ पे हैं अभी हम हैं प्लस सिक्स पर हैं है ना तो अब हम जाते हैं उल्टी तरफ तो उल्टी तरफ चलने के लिए देखो यहाँ पे थे ना हम तो उल्टी तरफ चलने के लिए हम वापस उल्टी तरफ जाते हैं देखो वन और टू है ना तो यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर तो हम कहाँ पहुंचे प्लस फोर पर इस तरह नंबर लाइन करना है बेटा अब हम कहाँ पहुंचे प्लस फोर पर आप अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं बेटा जिससे कि आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा ये करना ठीक है अब हम करते हैं नेक्स्ट देखिए देखिए एग्जाम्पल करने जरूरी है बेटा क्वेश्चन सर करेंगे बट एग्जाम्पल ज़रूरी है, है ना अब देखिए क्या कहा गया है हमें कि हम जीरो से प्रारंभ करके जीरो से हमने शुरू किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब उसने क्या कहा है कि जीरो से प्रारंभ करके जीरो के बाई तरफ चलना है हमको पाँच कदम बाई तरफ चलते हैं हम पाँच कदम तो आइए देखते हैं यहाँ से वन टू थ्री फोर और फाइव तो हम कहाँ पहुँचे बेटा माइनस फाइव पर पहुँच गए अब वो क्या कह रहा है फिर हम माइनस पाँच के दाई और चार कदम चलते हैं अब हमें क्या करना है देखो कलर चेंज करते हैं अब इसके दाई तरफ चलना है मतलब अभी हम यहाँ पे हैं अब हमें फिर दाई कदम चलना है तो हम चलते हैं एक दो तीन चार तो अब हम कहां पे आए देखो पहले लिखेंगे हम तो अब हम कहां पे आए बेटा अब है हम माइनस वन पर तो हमारा आंसर है माइनस वन थोड़ी सी प्रैक्टिस और बेटा कलरफुल लीजिएगा अलग अलग कलर से करेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर देखिए क्या दिया गया है बेटा संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए तो फर्स्ट है देखो थ्री से पहले थ्री पर जाना है हमको उसके बाद थ्री से अधिक फाइव पर तो एक बार रफ समझा देती हूँ जैसे कि देखो वन टू थ्री फोर फाइव तो हमें पहले कहाँ जाना है थ्री पर जाना है तो हम जाते हैं वन टू एंड थ्री पर हम गए उसके बाद पाँच अधिक और जाना है, तो एक दो तीन चार पाँच हमें ऐसे और अधिक जाना है अब देखो क्या कहा गया है ज़ीरो से अब दो पर हैं एक दो पर पहले हम दो पे गए फिर क्या कहा है तीन कम करना है उससे तो ये क्या था अभी अच्छे से कराऊंगी बेटा समझा रही हूँ अभी ये हमारा क्या था सॉरी जीरो टू था अब हमें इसे तीन कम करना है तो हम क्या करेंगे एक हाँ जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे तो माइनस वन ठीक है माइनस थ्री तो तो है माइनस थ्री से तीन कम तो तीन कम तो हमें और इधर जाना पड़ेगा कम करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस सिक्स तो आइए करते हैं इसके आंसर बेटा हम तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर हम देखिए क्या है क्या कहा गया है तीन में पाँच तीन से पाँच ज्यादा तीन से पाँच ज्यादा तो पहले हम जीरो से लेके थ्री तक आएंगे देखो हम थ्री तक आए और उसमें हमने पाँच और ऐड कर दिए वन टू थ्री फोर फाइव तो अब क्या हो गया हमारा आंसर क्या हो गया बेटा प्लस एट हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका प्लस एट नेक्स्ट क्या था तीन से दो कम तीन से दो कम है ना तो हम दो सॉरी दो से तीन कम था बेटा एक सेकेंड इसको हटा देती हूँ मैं नेक्स्ट क्या था दो से तीन कम तो पहले हम दो की तरफ जाएंगे पहले हम जीरो से कहा जाएंगे दो की तरफ तो देखो एक और दो हम दो पे पहुंचे अब से तीन कम करना है हमें इसमें से तीन कम करना है तो हम वापस बैक तरफ जाएंगे वन टू थ्री तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा माइनस वन देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि टू माइनस प्लस के टू माइनस का थ्री ठीक है तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा माइनस वन देखो इसको जैसे लाइन बना के किया है ऐसे ही करना है ठीक है अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट बेटा देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट है सी इसमें क्या कहा गया थ्री लेस देन थ्री मतलब कि प्लस थ्री से सॉरी माइनस थ्री से माइनस थ्री से तीन कम ये लिखा गया है ना माइनस तीन से तीन कम ये लिखा गया है हिंदी में आपका तो देखो हम जीरो से चलते हैं जीरो से हम तीन पर चलते हैं वन टू थ्री तो हम कहां पहुंचे माइनस तीन पर अब माइनस तीन से भी तीन कम करना है तो फिर तीन आगे चढ़ते हैं वन टू थ्री तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा माइनस सिक्स हम कहा पे होंगे इस समय माइनस तीन माइनस सिक्स पर होंगे ठीक है स्टूडेंट्स तीन से तीन कम मतलब माइनस तीन से तीन कम अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर टू निम्नलिखित का योग करिए बेटा यहाँ पे ए बी सी डी दिए गए हैं कि 21 में प्लस 21 में माइनस 12 को जोड़ना है तो आइए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके चारों पार्ट इकट्ठे ही करते हैं आइए बच्चे तो देखिए बेटा पार्ट नंबर वन ए देखिए प्लस 21 माइनस हमें दोनों को क्या करना है? जोड़ना है तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम प्लस इक्कीस माइनस हमें क्या करना है बारह माइनस क्या करना है बारह तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा हमारा नाइन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइन क्यों यहाँ पे नाइन क्यों आएगा बेटा क्योंकि इक्कीस प्लस के हैं और बारह माइनस के हैं तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नाइन आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा माइनस पच्चीस माइनस पच्चीस में हमें क्या करना है प्लस करना है माइनस का इकसठ तो अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों नंबर ही किया हो माइनस के हो तो यहाँ पे मार्क क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86 सिक्स देखिए यहां पे हमारा आंसर आया इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन निशान क्या हो जाएगा जो मार्क है वो क्या लगेगा माइनस का लगेगा 86 सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा देखिए नेक्स्ट माइनस फिफ्टी है ना इसमें हमें प्लस करना है थर्टी नाइन तो अभी हमने ये बात देखी थी बेटा कि अगर जो नंबर ज्यादा हो संख्यात्मक नंबर किसका है फिफ्टी सिक्स का ज्यादा है तो निशान क्या आ जाएगा हमारा हमारा क्या निशान प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा सेवनटीन आंसर आंसर क्या आएगा सेवनटीन मतलब कि निशान हमारा जो ज्यादा है वो रहेगा और प्लस और माइनस दिया जाता है तो हम क्या करते हैं उसको घटा देते हैं तो जब घटाएंगे तो सत्रह आएगा और निशान क्योंकि छप्पन नंबर संख्या ज्यादा है इसलिए निशान क्या आ जाएगा सत माइनस का आ जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा इसका आंसर हो जाएगा माइनस सत्रह आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा नेक्स्ट देखिए डी आ डी में क्या दिया गया है वन फिफ्टी फोर प्लस टू थर्टी नाइन ठीक है तो ये इसका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर तीन संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न लिखित योग याद कीजिए हमें क्या करना है बेटा संख्या जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया था ना इसी तरह संख्या रेखा का प्रयोग करके इन नंबर्स को याद करना है तो आइए करते हैं इसे सोल्व बच्चे तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लस फाइव प्लस फाइव में से क्या है देखो प्लस फाइव पहले हमें कहाँ जाना है जीरो से हम जाएंगे प्लस फाइव की तरफ तो. देखो वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारा क्या हो गया ये प्लस फाइव अब यहाँ से हमें क्या जाना है यहाँ से हमें माइनस ट्वेल्व पर जाना है यहां से कहां जाना है माइनस ट्वेल्व पे तो इसके लिए आइए हम करते हैं देखो अब यहीं से इसी पोजिशन से अब हम कौन सी पोजिशन पे प्लस फाइव से प्लस फाइव से हमें कहाँ जाना है ट्वेल्थ पे जाना है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो अभी हम कहां पर होंगे देखो अभी हम कहाँ पे होंगे बेटा देखिए हम कहाँ पे होंगे बेटा देखो हमारा कहाँ पहुंचेंगे हम माइनस सेवन पर हम कहा पहुंच गए थे माइनस सेवन तो देखिए पहले आप क्या करेंगे प्लस फाइव की तरफ मार्क लगाएंगे ठीक है उसके बाद ये इसी पॉइंट से हम कहाँ लगाएंगे माइनस ट्वेल्व पे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा नंबर लाइन बनाकर करनी है बेटे आपको ये क्या करनी है नंबर लाइन बनाकर अब हम करते हैं इसका बी पार्ट देखिए बी पार्ट में क्या कहा गया है प्लस माइनस के फाइव तो पहले हम जीरो से कहाँ जाएंगे माइनस फाइव पर हम जीरो से कहाँ गए माइनस फाइव पर ठीक है उसके बाद क्या कहा गया माइनस सिक्स इसी के अंदर अब इसी पॉइंट से हमें माइनस सिक्स पर जाना है तो इसके अंदर जब हम माइनस सिक्स से जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे माइनस 11 पर हम कहाँ पहुँचेंगे इस समय -11 पर क्योंकि देखो उसी के अंदर माइनस नंबर में तो हम पहले ही थे उसमें से हमें और माइनस करना है तो हम कहाँ होंगे इस टाइम पे -11 में तो इसी तरह आपको बेटा ये नंबर लाइन बनाकर करना है आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका बेटा सी पार्ट इसमें क्या कहा गया है देखो फर्स्ट आपको क्या करना है 0 से लेके +7 पर जाना है तो हम 0 से लेके +7 पर जाते हैं ये रहा हमारा +7 ठीक है अब जहां हम पहुंचे हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है माइनस सेवन जाना अब इससे जब हम पीछे सात जाएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे जीरो पर हम कहां पहुंच जाएंगे जीरो पर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है प्लस थ्री से तो जीरो से हम प्लस थ्री की तरफ जलते हैं देखो चाहे सीधी लाइन लगा लो चाहे ऐसे जैसे आपको ईजी लगता है तो हम कहाँ पहुंचे बेटा प्लस थ्री पर अब वो क्या कह रहा है यहां से आपको प्लस वन और करना है तो हम एक और ऐड कर देंगे तो इस समय हम कहाँ हो जाएंगे प्लस फोर पे इस समय हम कहाँ हो जाएंगे प्लस फोर पर ठीक है स्टूडेंट चार क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है वर्कशीट में बच्चे तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू